और इसी बीच रुख बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। ये खबर आ रही है मुंबई से, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर। हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। बिग बॉस के विनर रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला, बालिका वधू सीरियल से चर्चा में आए थे सिद्धार्थ, और हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आई है। तो बिग बॉस के विनर रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और इस वक्त ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। बालिका वधू सीरियल के अंदर भी सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए थे। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर और टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी दुखद खबर इस वक्त ये है, बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। आपको बता रहे हैं अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार को निधन, मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक जो मालूम चल पाया उसके अनुसार हार्ट अटैक वजह रही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की। एक बड़ी ही चौंकाने वाली ये खबर और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए वाकई ये गंभीर जो खबर है। अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन, मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की पुष्टि की है। जो वजह बताई जा रही है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला सबको आगे टक्कर देते हुए बिग बॉस को जीते थे और उसके बाद काफी चर्चा में आए थे। हालांकि उससे पहले भी एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर लोगों ने पहचानते हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला कई टीवी सीरियल्स में दिखाई दिए थे जिसमें बालिका वधू सबसे खास और अहम जिसमें वो नजर आए थे। अपने अच्छे अभिनय के लिए जाने जाते थे सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए एक बड़ी ही गंभीर खबर, हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही ये बड़ी खबर, हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। महज 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला जो हार्ट अटैक से जिनकी मौत हुई है। तो 2008 से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और 2008 में इन्होंने बाबुल का अंगना छूटे ना से इन्होंने शुरुआत की थी सोनी टीवी के साथ, और उसके बाद बालिका वधू से इनको एक बड़ी पहचान मिली। बिग बॉस पहुंचे, विनर रहे, वहां से इन्हें एक और बड़ी पहचान मिली। ब्रोकन हार्ट नाम से एक वेब सीरीज आई थी, उससे भी इनको एक बड़ी पहचान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिली थी। लेकिन कुल मिलाकर बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। 40 साल के ये थे और मुंबई में इनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि इनको जाना जाता है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, एक वेब सीरीज आई थी उसके लिए इन्हें काफी ज्यादा जाना पहचाना गया। इसके अलावा बालिका वधू में इन्होंने काम किया, दिल से दिल तक में काम किया, बिग बॉस के 13वें सीजन में ये पहुंचे और वहां पर विनर रहकर आए। इसके अलावा फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में भी 7th सीजन में ये रहे थे। तो ये सिद्धार्थ शुक्ला एक बड़ा नाम इन्होंने कमाया कम उम्र में, 40 साल की उम्र में ही इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया इंडस्ट्री के अंदर, एक बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी है। यही वजह है कि शायद बिग बॉस के 13वें सीजन को इन्होंने जीता था। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, का सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आ रही है, क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ हो चुका है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हुआ है। उनका कुपर अस्पताल में इस वक्त उन्हें रखा गया है। इस वक्त हम कुपर अस्पताल के लिए निकल पड़े हम भी कि ताकि जिस तरीके से उनका क्या और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, दिल का दौरा क्यों पड़ा है, क्या वजह रही है, क्या पिछले दिनों कुछ स्ट्रेस में थे, क्या हो, क्योंकि लास्ट सीन अगर देखा जाए भाई हांडी की बात कर ले या फिर देश के लिए जो मेडल्स आ रहे थे उसकी बात कर ले, उसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। काफी ट्वीट को लेकर वह काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि वो प्राउड फील करते हैं कि देश कितना आगे जा रहा है, और इस तरीके से अचानक दिल का दौरा पड़ना ये अपने आप पे कहते हैं कि बहुत बुरी खबर, दाई सी बात है तमाम उनके जो जितने भी उनको फॉलोअर्स है या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कि कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों के लिए दुखदायी खबर आज लेके आया है। और अब चूंकि इस पर मामले पर आगे की डिटेल और थोड़ी देर में जरूर मिलने वाली है, लेकिन ये बात जरूर पुष्टि हो चुकी है कि हार्ट अटैक की वजह से दिल का दौरा पड़ने की वजह से। लेकिन अभिषेक, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कोई दवा भी ले रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, और दवा लेने की ओवरडोज की वजह से शायद ऐसा कुछ हुआ है, ये भी खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स इस पर? बिल्कुल, जो कि जो अभी तक खबरें देखिए इसमें कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसी खबरें बिल्कुल आ रही हैं कि कोई दवा का डोज ले रहे थे उसके वजह से ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन इसलिए देखिए डेड बॉडी उनकी इस वक्त ऊपर अस्पताल में है, जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है उनके पोस्टमार्टम किया जाए।